Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. Today we will learn phonics sound A word AM, AM and AP, AP from the book Phonic Sound. So let's begin. First we will learn the phonic sound AM, AM. Kya hota hai ye bachcho? AM, AM. So let's begin. D A M, dam. कैसे है ये? D, then A, M. क्या बन गया? Dam. J, A, M, jam. कैसे? J के साथ A, M, M, jam. R, A, M, ram. इसे R plus A, M, M. R, A, M, M. क्या बन गया? Ram. H, A, M, ham. H, A, M, M. H को A, M के साथ जोड़ा, क्या बन गया? Ham. अगेन बच्चों, रिपीट अगेन विद मी. अब आपने मेरे साथ साथ बोलना है. बोलो बच्चों, डी ए एम, डैम. डी ए एम, डैम. जे ए एम, जैम. जे ए एम, जैम. R A M, ram. R A M, ram. H A M, ham. H A M, ham. Now we learn the phonic sound AP, AP. So let's begin. C A P, cap. Yes, कैसे? C के साथ A P F, क्या बन गया ये? Cap. C A P, cap. L A P, rap. कैसे? L के साथ A P, क्या बन गया ये? Lap. L A P, lap. M के साथ A P, ये क्या बन गया? Map. M A P, map. M A P, map. T A P, tap. ऐसे T के साथ A P F, क्या बन गया ये? Tap. T A P, tap. Now learn again. बच्चों मेरे साथ साथ बोलो. बोलो बच्चों, C A P, क्या बन गया बच्चों ये? Cap. C A P, cap. L A P, lap. L A P, क्या बन गया बच्चों? Lap. M A P, map. M A P, क्या बन गया बच्चों ये? Map. T A P, tap. कैसे? T A P, tap. Very good बच्चों. Now learn again this at home. Students, now we learn the formation of small Q to T. So पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यू से. ये क्या है हमारा? स्मॉल क्यू. क्यू फॉर क्वीन. कैसे लिखेंगे बच्चों? यू, ये हमारी ब्लैक लाइन है ना. ब्लैक लाइन से लेके नीचे की और पिंक लाइन तक हमने पहले स्टैंडिंग लाइन लगानी है. फिर यहां से ब्लैक लाइन से लेके दूसरी ब्लैक लाइन तक ऐसे हमने कर्व लगानी है. और फिर यहाँ नीचे से ऐसे छोटी सी स्लांटिंग लाइन लगानी है. ये क्या बन गया हमारा? क्यू. क्यू फॉर क्वीन.
ये क्या है हमारा स्मॉल आर, आर फॉर रैट. कैसे लिखेंगे? पहले एक स्मॉल कर्व लगाएंगे ऐसे, देन स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन यहां से बच्चों ऐसे कर्व लगाएंगे. ये क्या बन गया हमारा स्मॉल आर, आर फॉर रैट. ये क्या है स्मॉल एस, एस फॉर सन. कैसे लिखेंगे बच्चों? ये जो टू ब्लैक लाइन है ना नोटबुक पे, इन टू ब्लैक लाइन में हमने ऐसे लिखना है. पहले ऐसे कर्व लगाएंगे, फिर ऐसे कर्व लगाएंगे. ये क्या बन गया हमारा एस, एस फॉर सन. ये क्या है बच्चों? स्मॉल टी, टी फॉर टाइगर. कैसे लिखेंगे? पिंक लाइन से लेकर ये ब्लैक लाइन तक पहले हमने ऐसे स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर इस ब्लैक लाइन से लेके यहां तक ऐसे कर्व लगानी है, और फिर ये जो ब्लैक लाइन है ना बच्चों, वहां पर हमने स्लीपिंग लाइन लगानी है ऐसे. क्या बन गया ये हमारा? टी, टी फॉर टाइगर. नाउ रिपीट अगेन. सबसे पहले बच्चों हम क्या लगाएंगे, क्यों कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, यस, देन कर्व, गुड, देन स्लीप स्लांटिंग लाइन, वेरी गुड. आर फॉर रैट कैसे लिखेंगे? स्मॉल कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन यहां से ऐसे स्मॉल कर्व, आर फॉर रैट. एस कैसे लिखेंगे? पहले कर्व, स्मॉल कर्व इधर, फिर देन स्मॉल कर्व. एस फॉर सन. टी फॉर टाइगर, स्टैंडिंग लाइन, देन कर, देन स्लीपिंग लाइन, वेरी गुड. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू लर्न हाउ टू राइट स्मॉल अल्फाबेट क्यू आर एस टी. सो रिपीट दिस प्रैक्टिस एट होम. राइट स्मॉल अल्फाबेट क्यू आर एस टी ऑन योर नोटबुक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.